हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जंपिंग जैक के नाम से फेमस एक्टर जितेंद्र का जन्म 7 अप्रैल 1942 को अमृतसर में एक बिजनेस फैमिली में हुआ था, जिन्हें पूरी दुनिया जितेंद्र के नाम से जानती है। दरअसल उनका असली नाम रवि कपूर है। जितेंद्र ने अपने करियर में एक नहीं बल्कि कई तरह के किरदारों को निभाया है। उनकी जोड़ी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी के साथ पसंद की जाती थी। दोनों ने एक साथ करीब 30 से ज्यादा फिल्मों में एक साथ काम किया है। प्रोफेशनल लाइफ के अलावा जितेंद्र अपनी लव लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहे हैं। करियर के शुरुआत में जितेंद्र का नाम कई एक्ट्रेसेस संग जुड़ चुका है, लेकिन वह बचपन से ही अपनी पत्नी शोभा कपूर से प्यार करते थे। शोभा कपूर जब 14 साल की थी तब जितेंद्र को उनसे प्यार हो गया था। उस वक्त जितेंद्र बॉलीवुड के स्टार नहीं थे। जब जितेंद्र बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमा रहे थे, उसी वक्त शोभा ब्रिटिश एयरवेज में काम कर रही थी। जॉब की वजह से शोभा को अक्सर विदेश में रहना पड़ता था और वो चाहकर भी अपने प्यार यानी जितेंद्र को नहीं मिल पा रही थी। जितेंद्र का रुझान बचपन से ही फिल्मों की ओर था और वो अभिनेता बनना चाहते थे। वो अक्सर घर से भागकर फिल्म देखने चले जाते थे। जितेंद्र ने अपने सिने करियर की शुरुआत 1959 में प्रदर्शित फिल्म नवरंग से की, जिसमें उन्हें छोटी सी भूमिका निभाने का अवसर मिला। करीब 5 सालों तक जितेंद्र फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर बनने के लिए कोशिश करते रहे। इसके बाद साल 1964 में उन्हें वी शांतरम की फिल्म गीत गाया पत्थरों ने में काम करने का अवसर मिला। इस फिल्म के बाद जितेंद्र अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए। इसके बाद वर्ष 1967 में जितेंद्र की एक और सुपरहिट फिल्म फर्ज रिलीज हुई। जितेंद्र ने अपने 4 दशक के लंबे सिने करियर में 250 से भी अधिक फिल्मों में काम किया।